नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानशु। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों एक के बाद एक महापंचायतें संबोधित कर रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। मथुरा हो, अलीगढ़ हो और उसके बाद फिर मुरादाबाद हो, जिसके बाद अब अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे और आज मेरठ के मखाना में एक बड़ी रैली को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अखिलेश यादव की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सक्रियता देखी जा रही है, वो सक्रियता कई बड़े संकेत देती है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव यहाँ की सुस्त पड़ी राजनीति को अब जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी की जो कमजोर कड़ियां हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, ऐसा सियासी जानकारों का कहना है। सियासी जानकारों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और जाट मतदाता जो हैं, इसके अलावा गुर्जर मतदाता जो हैं, वो निर्णायक स्थिति में होते हैं। मौजूदा वक्त में ये मतदाता फिलहाल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और मजबूती से खड़े हुए भी पिछले चुनावों में दिखाई दिए, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इन मतदाताओं में अब बीजेपी के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है और इस फॉर्मूले को हिट करने के लिए अब अखिलेश यादव लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव का दलित, गुर्जर और जाट फॉर्मूला अगर हिट होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2022 में एक बड़ा कमाल कर सकती है और इस कमाल को अंजाम करने के लिए अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हैं। आपको बता दें कि दलित मतदाताओं पर बीएसपी प्रमुख मायावती का कब्जा माना जाता है और एक वक्त से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो मायावती के पक्ष में ये मतदाता हमेशा खड़े रहे, लेकिन अब मायावती की ठंडी राजनीति की वजह से इन मतदाताओं को कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किसके साथ जाएं। ऐसे में अखिलेश यादव अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर इन लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं ताकि मायावती का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में जोड़ा जा सके। गुर्जर और जाट मतदाताओं की अगर बात की जाए तो एक वक्त में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोर मतदाता होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये लोग मजबूती के साथ 2014 से बीजेपी के साथ दिखाई दिए और एक बड़ा सियासी उलटफेर भी उत्तर प्रदेश में फिर देखने को मिला। लेकिन अब किसान आंदोलन की वजह से गुर्जर और जाट मतदाताओं में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल इन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा वक्त में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सके। कांग्रेस की स्थिति पहले से ही खराब है, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मेरठ में रैली करके इन मतदाताओं पर डोरे डालने की कोशिश की गई है। राकेश टिकैत के सहारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो है ही लाइन में लगी हुई है, लेकिन आरएलडी राकेश टिकैत के सहारे इन मतदाताओं पर अच्छे से अपनी पकड़ बना रही है और आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन भले ही ऑफिशियल तौर पर न घोषित किया गया हो, लेकिन वो साफ दिखाई देता है क्योंकि अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित, गुर्जर और जाट फॉर्मूले को अखिलेश यादव भुनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश कुछ हद तक रंग लाती भी दिखाई दे रही है। मवाना में जो आज अखिलेश यादव ने रैली की, ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णायक स्थिति में मतदाता है वो दलित और गुर्जर मतदाता है और हस्तनापुर से विधायक जो हैं वो बीएसपी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख पहली बार उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की रैली यहां पर मायावती के वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश है, इसके अलावा बीजेपी के वोट बैंक पर भी सेंध लगाने की कोशिश है। अखिलेश यादव की ये कोशिशें कितना रंग लाएंगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सियासी जानकारों का कहना है कि जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला हिट होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके साथ आने वाले दल एक बड़ा सियासी फेरबदल कर सकते हैं। क्या होगा ये सियासी फेरबदल वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप हमें बताइए कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो वहां से भी शेयर करते रहिए। ताज़ा तरीन जानकारी अपने करीबियों, अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए।